वेल फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू सक्सेस मंत्र बाय मलिक, आई एम जेपी मलिक बिफोर यू टुडे आवर चैप्टर विल बी ग्राउंड्स फॉर चैलेंजिंग ए विल वसीयत को चैलेंज करने के क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं देखिए वसीयत बहुत सोच समझ करके बनाई जाती है नहीं तो वो चैलेंज हो सकती है क्योंकि जब भी वसीयत बनाई जाए विल बनाई जाए तो ये समझा जाए कि ये चैलेंज होगी भले ही वो चैलेंज ना हो देखिए एक वसीयत वसीयत या विल एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है क्योंकि इसको देखिए क्या होता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं या तो जिंदा व्यक्ति उसका ट्रांसफ़र कर दे सेल डीड रजिस्टर डीड बना करके या फिर विल करे जो कि उसके आफ्टर ही और हर डेथ जो जिसके फेवर में स्वेच्छा से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहे वो हो जाती है तो विल बड़े ध्यानपूर्वक बनानी चाहिए फिर भी विल जो है कुछ ग्राउंड हैं जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड हैं जहां पर विल चैलेंज हो सकती है क्योंकि देखिए विल जो टेस्टेटर है विल करता की डेथ हो जाती है तो वो तो बताने आएगा नहीं कि ये विल मैंने इसके फेवर में की है तो ये विल सिर्फ जो बेनिफिशरी है जिसके फेवर में विल बनाई गई है उसको उसको ही करनी पड़ेगी के प्रूव करना पड़ेगा ये विल जेन्यून है तो ये कुछ ग्राउंड हैं जिनके बेस पर विल को चैलेंज किया जाता है जनरली तो सबसे फर्स्ट है मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ कैपेसिटी ऑफ द टेस्टेटर अगर विल कोई होश आवास में और स्वेच्छा से नहीं बनाई गई है मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है विल बनाने वाले की वसीयत जो करता है उसकी जो सेहत उसकी जो स्थिति हेल्थ ठीक नहीं है तो वो विल चैलेंज हो जाती है और पता लगता है कि जब विल बनाई तो उसकी मनोस्थिति हेल्थ थी, ठीक नहीं थी तो उसकी हो सकता है उसकी दवाइयाँ चल रही थी और वो कभी ठीक होता था कभी ठीक नहीं होता था अगर ये चैलेंज करने वाला जिसने दावा किया है उसने ये प्रूव कर दिया कि उसकी मेंटल हेल्थ कैपेसिटी ठीक नहीं थी या उसके एज देखिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हेल्थ ओके okay होनी चाहिए और माइनर नहीं होना चाहिए विल करता माइनर नहीं हो सकता विल नहीं बना सकता तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जब भी विल बनाए उसको शरीर वो स्वस्थ हो और अपनी इच्छा से विल बनाई है मेंटल हेल्थ ठीक है तो एक तो ये चैलेंज हो जाता है कि जब विल बनाई मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी दूसरा नो फ्री विल इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर अनड्यू इन्फ्लुएंस और और केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मिस रिप्रेजेंटेशन या दबाव का कारण भी हो सकता है कई बार दबाव के में आके विल बना देते बना दी जाती है तो वो भी विल रद्द कोट कर देता है तीसरा है एग्जीक्यूशन ऑफ ए will, जो विल नॉट प्रॉपर जब विल बनाई गई उसमें उसको प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया गया कि इट रिक्वायर्स अटेस्टेशन ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट विटनेस इसमें ए, कम से कम दो गवाह जरूरी हैं और किसी स्टेट में तो दो से ज्यादा भी गवाह लिए जाते हैं मिनिमम टू अवश्य होने चाहिए तो मान लिया किसी ने एक विटनेस इंडिपेंडेंट ले ली और दूसरी विटनेस हो सकता है बेनिफिशरी के साइन करा दिया है जे विटनेस तो वो इनवैलिड विटनेस मानी जाएगी तो जब भी विल चैलेंज होती है तो कोर्ट ये सब देखता है कि जब विल बनी कि वो प्रॉपर है नहीं है और इंडिपेंडेंट विटनेस हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये इसका पार्ट है विल का तो फिर कंटेंट्स ऑफ विल अगर विल में जो प्रॉपर्टी है उसकी डिटेल ठीक से नहीं है पूरी डिटेल नहीं है या डिटेल छूट गई तो भी ये विल चैलेंज हो जाती है और रद्द समझी जाती है और फिफ्थ है टाइप्ड और हैंड रिटन विल आज से भी विल मान्य है वैलिड है कानून की नजर में लेकिन अगर वो रिटन है तो क्या उसी के हैंड रिटन से वो बनाई गई है वो टैली कर, करके देखा जाएगा किसी अन्य दस्तावेज से उसको टैली करते हैं और वो टैली नहीं होती है तो वो विल जो है इनवैलिड मानी जाएगी अब है रजिस्टर्ड और नोटराइज विल देखिए विल सादे कागज पर भी एज पर कानून मानी जाती है वैलिड है लेकिन रजिस्टर्ड विल जो है वो एक मजबूत स्थिति पैदा करती है प्रूव करने में आसान रहता है कि जो बेनिफिशियरी है उसको प्रूव करना है तो वो रजिस्टर्ड क्योंकि एक रजिस्टर्ड ऑफिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां पर उसकी रजिस्ट्री होती है तो और उसके सामने विटनेस होते हैं तो इसको आसान करना साबित करना आसान हो जाता है तो रजिस्टर्ड अगर है तो अगर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और वो चैलेंज होते हैं फिर है फ्रॉड केस देखिए फ्रॉड केस क्या होता है कई बार मान लिया किसी और काम से तहसील ऑफिस गए या कोई रजिस्ट्री थी साथ में ही एक ये विल पर साइन करा लिए ये कह करके के, के ये आपका आपकी ज़मीन के रजिस्ट्री है या उसको ये कहा गया कि आपको हम लोन दिलवा देंगे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी तरह फ्रॉड केस है तो कोर्ट उस विल को इनवैलिड घोषित कर देगा वो नहीं मानी जाएगी और वो बिल रद्द होगी तो इन एनी केस देखिए वेयर द इज नॉट इन ए पोजिशन टू प्रूव जहाँ पर भी बेनिफिशरी ये प्रूव नहीं पाएगा कि ये जेन्युइन विल है तो कोर्ट ऑब्जोर करता है कि एनी डाउट उसमें जहां भी डाउट होगा डाउट एनी डाउट जहां भी डाउट होता है इन रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ ए विल द विल स्टैंड एज कैंसल विल कैंसल हो जाएगी एंड द प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस उत्तराधिकार के कानून के हिसाब से फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो विल बनाते हुए बहुत सावधानी से उस विल को तैयार किया जाए अच्छे वकील से अच्छी ड्राफ्टिंग ना संक्षिप्त और पूरे फैक्ट उसमें आ जाने चाहिए वही विल चैलेंज भी हो भी जाए तो वो रद्द नहीं होगी लेकिन ये कुछ ग्राउंड हैं जिनके बेस पर विल जो है कोर्ट रद्द कर देता है तो थैंक यू हैव ए नाइस डे